हेलो एवरीवन वन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ऑफ कैपिटल बजटिंग सो व्हाट इज कैपिटल कैपिटल बजटिंग बजटिंग और का क्या क्या यूज है कंसेप्ट को समझेंगे इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि कौन से कौन से इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं जो हमें यूज करने हैं वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड वॉट इज कैपिटल बजटिंग तो क्या है कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या है अगर आप ध्यान से देखो तो कैपिटल बजटिंग में दो चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है वन इज कैपिटल एंड अनदर इज कॉल्ड एज बजटिंग तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जो हम जानते हैं विच इज कॉल्ड एज बजट बजट इज वॉट बजट इज द प्रडिक्शन बजट इज एन एस्टिमेट विच वी आर डूइंग अबाउट द एक्सपेंसेस जैसे कि फाइनेंशियल बजट बनता है आपको पता ही होगा कंपनी में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बजट बनते हैं जैसे कि परचेज बजट सेल्स बजट प्रोडक्शन बजट कैश बजट तो वी आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट बजट मतलब क्या होता है हम एक एस्टिमेट बनाएंगे हम एक प्रिडिक्शन करेंगे कि एग्जैक्टली exactly हमारे कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं और उसको कंपैरिजन में हमारे पास कितना कैपिटल अवेलेबल है तो अगर हम इस कैपिटल बजटिंग की बात करें तो इसमें भी हम कुछ डिसीजनस ही लेने वाले हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स हमारे लिए सूटेबल होंगे इफ़ यू हैव टू ऑप्शंस अवेलेबल विच मशीन विल बी सूटेबल फॉर अस विच ऑप्शन विल बी फेवरेबल फॉर द कंपनी विच विच कैन गिव गुड रिटर्न टू द कंपनी वो हम डिसाइड करने वाले हैं यही सिंपल मतलब है कैपिटल बजटिंग का तो थोड़ा सा इसका मीनिंग समझ लेते हैं एक्जैक्टली कैपिटल बजटिंग क्या है कैपिटल बजटिंग रेफर्स टू प्लानिंग द डिप्लॉयटमेंट ऑफ अवेलेबल कैपिटल फॉर द पर्पज ऑफ मैग्जीमाइजिंग द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म दैट मीन्स वी आर मैग्जीमाइजिंग द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी हमें क्या करना है हमारे प्रोफिटेबिलिटी को बढ़ाना है इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे हम फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लॉन्ग टर्म के बेसिस पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं तो अगर हम शॉर्ट टर्म के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट इज इन करंट असेट्स बेसिकली लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट इन दी नॉन करंट असेट्स विच इज कॉल्ड एज फिक्स टो नाउ द क्वेश्चन हम इन्वेस्टमेंट फिक्स में जब करेंगे तब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे और अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है तो उनमें से हम कौन सा बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएंगे तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है ये सिलेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग द डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग तो कैपिटल बजटिंग हमें वहां पर यूज होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है और उन ऑप्शन से हमें कौन सा ऑप्शन हमारे लिए फेवरेबल होगा उसके लिए हम कैपिटल बजटिंग ये जो टेक्निक है इसको यूज करके वी आर डिसाइडिंग अबाउट द वेरियस ऑप्शन विच आर अवेलेबल तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं जैसे कि अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए हमने कौन अपॉइंट किया है हमने अपॉइंट किया है फाइनेंशियल मैनेजर ठीक है बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ध्यान से समझना ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसमें तीन टाइप के डिसीजंस लिए जाते हैं वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड द थर्ड टाइप ऑफ डिसीजन इज कॉल्ड एज डिविडेंड डिसीजन तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजर होगा वो तीन टाइप के डिसीशंस को लेता है एक होता है फाइनेंसिंग डिसीशन इन्वेस्टमेंट डिसीशन और डिविडेंड फाइनेंसिंग decision. का मतलब क्या होता है कि पैसा कहां कहां से आएगा कौन से ऐसे डिफरेंट सोर्सेस होंगे जहां से हम पैसा लेके आएंगे तो यहां पे बहुत सारी चीजें कवर होती है जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर वो सारी चीजें आपकी फाइनेंसिंग डिसीशन में कवर होगी इन्वेस्टमेंट डिसीशन में भी दो टाइप के डिसीशन आते हैं एक होता है आपका शॉर्ट टर्म डिसीशन और दूसरा होता है हमारा लॉन्ग टर्म डिसीजन अगर हम शॉर्ट टर्म डिसीशन की बात करें तो दैट इज बीन रिलेटेड विद वर्किंग कैपिटल तो ये किसके साथ रिलेट करता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब शॉर्ट टर्म का जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं करंट असेट्स के साथ रिलेट कर रहा है लॉन्ग टर्म जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं नॉन करंट असेट्स मतलब फिक्स असेट्स के साथ रिलेट कर रहा है और इस लॉन्ग टर्म डिसीशन के अंदर ही आपका कंसेप्ट आता है विच इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग तो ये जो कंसेप्ट है कैपिटल बजटिंग का ये आपके लॉन्ग टर्म डिसीशंस में कवर होता है डिविडेंड डिसीशंस की बात करें तो डिविडेंड डिसंस में क्या होता है कि कितना परसेंटेज हमें डिविडेंड करके बांटना है तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स फॉर दैट वी हैव गॉर्डन्स मॉडल वी हैव वॉल्टर्स मॉडल तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल है तो ये ओवरऑल ब्रीफ आइडिया आपको आ गई अभी कि कैपिटल बजटिंग जो डिसीशंस होते हैं ये हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीशंस का पार्ट है अभी हमें कौन से इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना है जो फिक्स असेट्स हमारे इन्वेस्टमेंट्स होंगे जो हमारे लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं दैट इज बीन कंसिडर एज द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग तो उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए रहेगा उसके लिए हम क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके कैपिटल बजटिंग की जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो हम देखते हैं ठीक है थीके? तो काफी सिंपल कंसेप्ट मैंने आपके साथ बता दिया अभी तो अभी इन्वेस्टमेंट डिसीशंस जो है तो ये सारी चीजें इंक्लूडेड है एक है आपका तो इन्वेस्टमेंट डिसीशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है इन्वेस्टमेंट डिसीशन इंक्लूड करता है सबसे पहले तो एक्सपांशन मतलब आप आप क्या एक्सपांशन करने वाले हो कंपनी में आपको एक्सपांशन करना है कंपनी को आगे लेके जाना है कंपनी का जो ग्रोथ है वो बढ़ना चाहिए इसलिए हम एक्सपांशन के बारे में सोचते हैं तो फॉर डूइंग द एक्सपांशन वी विल थिंक अबाउट एक्सपांडिंग द कंपनी वी विल हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल वी विल हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट अवेलेबल तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सबसे पहला पॉइंट आपका कवर होता है एक्सपांशन मतलब एक्सपांशन करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे सेकेंड है एक्विजीशन जब हम किसी और का बिजनेस एक्वायर करते हैं जब हम किसी और के असेट्स को एक्वायर करते हैं तभी भी हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन यूज करने पड़ते हैं एंड कैपिटल बजटिंग इज वन ऑफ द पॉइंट इन दैट फिर थर्ड है हमारा मॉडर्नाइजेशन अगर हमें इनोवेटिव चेंजेस लाने हैं अगर हमें हमारे बिजनेस को मार्केट के ट्रेंड्स के बेसिस पे एडजस्ट करना है तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स दी मॉडर्नाइजेशन जैसे ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में जो जो चीज़ें चल रही है उसके बेसिस पे हम हमारे बिज़नेस को एडजस्ट करेंगे जैसे आपको पता है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी डिमांड में है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी डिमांड में थोड़े हैं लेकिन कंपेरिटिवली अगर देखा जाए तो आ, सभी लोग अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या सी एन जी पे फोकस कर रहे हैं ड्यू टू द राइजिंग पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस तो ये मॉडर्नाइजेशन के तरफ हम जा रहे हैं मतलब आगे आने वाले पाँच सालों में एवरीबडी विल बी थिंकिंग अबाउट शिफ्टिंग टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विच इज कॉल्ड एज द इवीज दिस इज मॉडर्नाइजेशन तो मॉडर्नाइजेशन के लिए भी हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म असेट्स हमने जो असेट्स लिए हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो असेट्स आउटडेटेड हो जाएंगे और वो असेट्स को हमें रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करते वक्त अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है एंड वी आर हैविंग टू और थ्री ऑप्शंस अवेलेबल तो अभी हमें उसमें से डिसाइड करना है कि विच ऑप्शन विल बी बेस्ट फॉर द कंपनी फॉर दैट पर्पज कैपिटल बजटिंग डिसीजनस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अभी कुछ डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे फिर अगले लेक्चर में हम फार्मूलाज भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं फॉर सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग की अगर बात करें तो कैपिटल बजटिंग के जो मेथड्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है नंबर वन इज द ट्रेडिशनल मेथड्स एंड नंबर सेकेंड इज द मॉडर्न मेथड्स तो अभी फिलहाल हम पहले ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं देखो ट्रेडिशनल मेथड्स में सबसे पहला मेथड है हमारा पे बैक पीरियड मेथड देखो व्हाट इज दिस पे बैक पीरियड काफी सिंपल कंसेप्ट है पे बैक पीरियड के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूं जैसे कि अगर हमने एक मशीन लिया अगर हमने एक मशीन लिया जिसकी वैल्यू है फिफ्टी लाख रूपीज हमने क्या किया एक मशीन परचेस किया जिसकी वैल्यू है फिफ्टी लाख रूपीज तो आज हमने मशीन में इन्वेस्टमेंट किया है फिफ्टी लाख रूपीज और दिस इज द फर्स्ट ईयर ठीक है फर्स्ट ईयर में हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया फिफ्टी लाख रुपये और ये मशीन जो है वो सेकेंड ईयर से रिटर्न देना चालू कर देगा अभी सेकेंड ईयर में हमको रिटर्न आया टेन लैक्स फिर थर्ड ईयर में भी हमें रिटर्न आया टेन लैक्स फिर फोर्थ ईयर में भी हमें रिटर्न आया टेन लैक्स फिफ्थ ईयर में भी हमें आया टेन लैक्स और सिक्स ईयर में भी हमें रिटर्न आया टेन लाख इसका मतलब आपने जो आपके पचास लाख की इन्वेस्टमेंट की थी वो पचास लाख की इन्वेस्टमेंट करने के बाद उस पचास लाख को रिकवर करने के लिए आपको कितने साल लगे ईयर में आपको अपना पैसा रिटर्न मिल गया जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था फिफ्टी लैक्स की कंसेप्ट ऑफ पे बैक पीरियड पे बैक पीरियड मतलब वॉट एवर इन्वेस्टमेंट वी आर डूइंग हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट बैक दैट इन्वेस्टमेंट तो अगर ये मशीन समझो ये मशीन ए है जो छः साल में रिटर्न हमें वापस कर रहा है मतलब हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो हमें अर्न करके दे रहा है और मशीन बी है आपके पास वो चार साल में ही आपको आपकी इन्वेस्टमेंट फिर से रिटर्न कर रहा है तो आ, अगर मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेटर रहेगी कौन सा मशीन आपके लिए बेटर रहेगा मशीन ए बेटर रहेगा जो छः साल के बाद आपको रिटर्न दे पा रहा है या छः साल के बाद आपके फिफ्टी लैख्स वहाँ से रिकवर हो रहे हैं या मशीन बी बेटर रहेगा तो चार साल के बाद चार साल के बेसिस पे ही आपको फिफ्टी लैख रिकवर करके देगा और बाद में अगले ईयर से आपका प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा तो आप कहेंगे काफ़ी सिंपल है यहाँ पे हम मशीन बी को प्रीफर करेंगे बिकॉज वो कम टाइम में पे बैक पीरियड हमें रिटर्न कर रहा है पैसे हमारे रिटर्न कर रहा है दैट सेड दैट इज द मेजर पॉइंट कि पे बैक पीरियड जो है उसमें अगर हम डिसीजन लेंगे तो जो कम वाला पे बैक पीरियड होगा वही हमारे लिए बेस्ट है मतलब जितने कम टाइम में हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न मिलेगा दैट विल बी बेस्ट फॉर द कंपनी ये है हमारा पे बैक पीरियड विच इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल मेथड तो इनको ट्रेडिशनल मेथड क्यों कहा जाता है बिकॉज दिस मेथड इग्नोरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो ये जो कंसेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब पैसे की जो वैल्यू है वो आज जितनी वैल्यू है उसके बेसिस पे अगर हम कंपेयर करेंगे आज सौ रुपए की जो वैल्यू है वही सौ रुपए में आज आप जो परचेस कर रहे हो अगले दस साल में अगर हम देखें तो सौ रुपए से वही चीज आप परचेस नहीं कर पाओगे दैट इज वाई पीपल आर थिंकिंग वॉट जो भी हमारे पास आज पैसे हैं उससे आज के आज अगर हम परचेस कर लेंगे तो हम सौ रुपये से परचेस कर सकते हैं वही सौ रुपये अगर हम हमारे पास तीसरे में रख दें और दस साल के बाद वही प्रोडक्ट लेने जाए जो सौ रुपये में दस साल पहले मिल रहा था तो आपको वही प्रोडक्ट सौ का दो सौ रुपये में मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी सेकेंड हमारा पार्ट है एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ये एनुअल रेट ऑफ रिटर्न को शॉर्ट में हम ए आर आर बी कहते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ ठीक है तो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न इज कॉल्ड एज पे हम क्या करते हैं यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं काफी सिंपल है यहाँ पे हम एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कंसिडर करेंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट के साथ ठीक है फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले अगले लेक्चर में तो दैट इज द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न दैट मीन्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज कंसिडर ओवर हियर और उसका हम एवरेज करने वाले हैं से फॉर एग्जांपल फाइव ईयर्स का अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट है तो उसको हम फाइव से डिवाइड कर लेंगे और उसका एक एवरेज ढूंढ लेंगे और जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी उसको भी हम एवरेज करके लेंगे और एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जो रहेगा ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी इसको बोला जाता है तो दैट इज दी ए आर आर ये हमेशा परसेंटेज में आएगा तो दिस टू आर द ट्रेडिशनल मेथड्स ये आपके ट्रेडिशनल मेथड्स है ट्रेडिशनल मेथड्स क्यों है बिकॉज ये मेथड जो है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते अभी अगले मेथड में जाते हैं दीज आर द मॉडर्न मेथड्स तो मॉडर्न मेथड्स ये मॉडर्न मेथड्स इसको क्यों कहा गया है बिकॉज ये जो मेथड्स है ये आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करने वाले जो मेथड्स है दैट इज कॉल्ड एज द मॉडर्न मेथड्स और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर न करने वाले मेथड्स जो है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रेडिशनल मेथड्स अभी एक एक करके इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जिसको हम शॉर्ट में एनपीवी कहते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हम प्रेजेंट वैल्यू ढूंढेंगे बेसिकली एक मशीन की या एक प्रोजेक्ट की एंड दैट इज विल बी एज पर द डिस्काउंटिंग फैक्टर तो कैसे कैलकुलेट करना है क्या ध्यान देना है कैसे सम्स को सॉल्व किया जाता है कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा मशीन कौन सा प्रोजेक्ट कंपनी के लिए सूटेबल होगा सारी चीजें एक एक करके हम यहाँ पे करने वाले हैं सेकेंड हमारा जो है दैट इज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इफ़ यू हैव सीन ट्रेडिशनल मेथड में सिर्फ पे बैक पीरियड था यहाँ पे हम डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड पढ़ेंगे मतलब हम क्या करेंगे डिस्काउंटिंग करेंगे हम वहां पे प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे या डिस्काउंटिंग फैक्टर के बेसिस पे पे बैक पीरियड मेथड को यूज करने वाले हैं कैसे यूज करना है प्रैक्टिकली सीखेंगे इसको प्रॉपरली अगला जो मेथड है हमारा दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विच इज कॉल्ड एज आई ये भी काफी इंपॉर्टेंट है So, there is a slight major difference between the traditional and modern methods. Traditional methods are ignoring the time value of money, and modern methods are considering the time value of the money. एंड नेक्स्ट इज़ द प्रॉफ़िटेबिलिटी इंडेक्स मैथड ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो मैथड है दैट इज सिमिलर टू एन पी वी तो ये एन पी वी जैसा ही मेथड होता है ये एन पी वी जैसे ही इसमें कैलकुलेशंस होते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ पर हम सिर्फ डिवाइड करते हैं ठीक है यहाँ पर हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं एन पी वी में डिफ्रेंस कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा मशीन या कौन सा प्रोजेक्ट कंपनी के लिए सूटेबल होने वाला है तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ द कैपिटल बजटिंग चैप्टर तो वी हैव लर्न इन दिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग इट इज़ वन काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म डिसीजन एंड इट इज अ इ डिसीजन वी कैन नॉट चेंज दिस टाइप ऑफ डिसीजन अगेन एंड अगेन तो लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट्स करने हैं फिक्स असेट्स से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो उस टेक्निक को हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स इन द कैपिटल बजटिंग नंबर फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड एंड नंबर सेकंड इज कॉल्ड एज दी मॉडर्न मेथड्स तो ट्रेडिशनल मेथड्स में वी हैव ओनली टू पे बैक पीरियड एंड दी ए आर आर एंड मॉडर्न मेथड्स में वी आर हैविंग फोर मेथड्स दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स so this is the basics of capital budgeting in the next lecture we will be learning the different different formulas related to the different methods which we have seen now that's it from this video thank you very much next time milenge bye bye take care